हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजु यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमको आशा और पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बीपीएससी TRE 3 का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और मैं जो इसमें प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ, जनरल नॉलेज का, बीपीएससी TRE 3 और 4 को टारगेट करके बनाया जा रहा है GKGS का। दोस्त, ये NCERT और SCERT का निचोड़ है। दोस्त, मैं लगभग 6 दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। आज से रेगुलर बेस पे वीडियो आएगी। और आप किस सब्जेक्ट का मैराथन चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ यदि आप PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं डेली बेस पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके डेली बेस पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3 देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। चलिए बिना समय गए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, क्लास 3 का प्रश्न नंबर पहला है। ये प्रश्न BPSC द्वारा पूछे गए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इसमें इंक्लूड की हूँ। आज का पहला प्रश्न है, मूल्य किसका उदाहरण है? कौन का? संशोधित कण का, बल्ब का, संशोधित जड़ का? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो मूल्य है वो संशोधित जड़ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है शहरी स्वशासन के बारे में, पंचायती व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक बदल दल बदल के बारे में, भाषाओं के बारे में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्त, यदि आप सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट GK का तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर उनका प्लेलिस्ट बना है व्याख्या सहित प्रश्नों का। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? मारमागाओ, नवी मंगलोर, चेन्नई, कोच्चि? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत का जो चेन्नई बंदरगाह है पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस युग में हुआ था? मायोसिन, कार्बोनिफेरस, ईओसिन, प्लायोसिन? उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा क्योंकि हिमालय का प्रथम उत्थान न तो मायोसिन युग में हुआ था, न तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, न ईओसिन युग में हुआ था, न प्लायोसिन युग में हुआ था। हिमालय का प्रथम उत्थान क्रेटेशियस काल में लगभग 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट में तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की, तकरीबन इतना मतलब क्रेटेशियस काल के में हुआ था हिमालय का उत्थान। और किसके द्वारा हुआ था? भारतीय प्लेट के तेजी से उत्तर की तरफ गति के कारण हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला माना गया है? स्थानीय स्वशासन को, संसद को, दबाव समूह को, राजनीतिक दलों को? उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? प्रश्न एक बार और देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सरदार पटेल ने, या डॉक्टर लाल मनोहर लोहिया ने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कालक्रम की दृष्टि से घटनाओं में कौन सा अंतिम थी? गांधी इरविन समझौता, खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह की फांसी, होम रूल आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन? तो इन सभी में जो अंतिम थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। आज का प्रश्न नंबर 9 है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष थे
कौन अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी थे, अमृतलाल ठाकर थे, घन श्याम दास बिरला थे, या लाला लाजपत राय था, वीआर अम्बेडकर थे। तो 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष घन श्याम दास बिरला थे। विटामिन, प्रश्न नंबर 10 है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? कैसिन के कारण, लैक्टोज के कारण, कैसिन के साथ कैरोटीन के कारण, लैक्टोज के साथ ब्यूटीरिक अम्ल के कारण। तो गाय के दूध का रंग पीला सफेद कैसिन के साथ कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, धन अर्थशास्त्र का विज्ञान है, यह किसका कथन है? रॉबिन्सन का, एडम स्मिथ का, केन्स का, जे मिल का। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ का कथन है, ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का अर्थ है किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, ऑप्शन बी है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान एक विषय है किसका है? समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन इकोनॉमी प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है टमाटर प्याज और आलू का मूल्य नियंत्रण करना, अनाजों के मूल्य का नियंत्रण करना, दलहनों के मूल्य का नियंत्रण करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑपरेशन ग्रीन टमाटर प्याज और आलू के मूल्य का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो भी ये प्रश्न है ये अत्यंत महत्वपूर्ण इंक्लूड किए हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक से दो बार देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, प्रधानमंत्री संपदा योजना संबंधित है कृषि क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, सार्वजनिक उपक्रम से। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, बैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, रूस में। तो जो बैट है वो फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश, किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये त्रिपुरा होगा, ऑप्शन ए है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से त्रिपुरा के अलावा मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम की सीमाएं भी स्पर्श करते हैं। प्रश्न नंबर 19 से, विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार उच्च दर का लाभ हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसे शेयर जिन पर लगातार उच्च दर का लाभ हो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? तो सेबी जो है ये पूंजी बाजार का विनियमन करती है। प्रश्न नंबर 21 है, कोलकाता और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं। जो कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं? एनएच 19 द्वारा दिल्ली और कोलकाता जुड़े हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? चेन्नई, हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो चेन्नई एक खुला सागरी बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 23 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी, जीवन। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? दक्षिण भारत, दक्षिण चित्र, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण निवास। तो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, सुमेलित कौन सा नहीं है? श्री हरकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में है, पोखरण राजस्थान में है। तो श्री कोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है, पोखरण राजस्थान में है, जबकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कर्नाटक में न होकर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है।
प्रश्न नंबर 26 है, सुपरनोवा क्या है? धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, विस्फोटक तारा, ब्लैक होल? तो जो सुपरनोवा है ये विस्फोटक तारा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100, 150, 200 किमी, 300 किमी? तो पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किमी तक गैसों का आवरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था वो उपगुप्त थे, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो वो है पांचाऊ, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों यदि आप किस सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट। और दोस्त मैं कंटेंट को ध्यानपूर्वक तैयार करती हूँ, यदि कुछ गलती हो जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करिए। एक बार और याद दिला दूँ, यदि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि किए हैं तो इसके साथ साथ आप सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।